हेलो एवरीवन गाइस, यहाँ पर ये पंची जी। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा कैमरे का, उम्मीद है मुझे। ठीक है, सूजी पहले मैंने अच्छे से भून लिया, इसमें मैंने डाली थी चीनी। ठीक है, अभी थोड़ा सा और भूनूंगी इसको। ये सारे मैंने सारे डाल दिए हैं, आलमंड्स वगैरह जितने भी हैं, आलमंड्स, और ये जाएगा 4 मगज इसके अंदर। ठीक है, सारे को मैंने ज़रा अच्छे से साफ़ कर लिया था, साफ करके इस बोतल में मैंने बंद कर लिया था। ये भी सारा चला गया इसके अंदर, ब्लेंड हो गया। और ये चने हैं, किशमिश है, इसको हल्का सा फ्राई करके जाएगा। ये नारियल है, सारा इसके अंदर जाएगा। इसमें आलमंड्स जाएंगे, और नारियल कह रही हूँ, नारियल का, नारियल मतलब भुना हुआ होता है ना, नारियल वो जाएगा इसके अंदर। देखिए सारे हो चुके हैं। ठीक है, और ये ज़बरदस्त किस्म का ये बन रही है पंजीरी। ठीक है, अगर इसकी आपको कंप्लीट रेसिपी चाहिए, बहुत आसान सी रेसिपी है ये, देसी घी मैंने घर में बनाया हुआ था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है। ये देसी घी है खालस, ये मैंने खुद घर पर बनाती हूँ। और इसमें इसको सारी आलमंड्स वगैरह सारी चीज़ें फ्राई कर रही हूँ इस देसी घी के अंदर, फ्राई करके। ठीक है, जितना आप चाहें देसी घी डालें, मतलब इसमें देसी घी ढलेगा ज़रूर, डालना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं जो है होता। और दूसरी बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, और ये जो न्यू मदर बनती हैं उनके लिए परफेक्टली है। और सर्दियों की सौगात है, इसको भर के, डब्बा भर के बना के रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा जो होता है। और सूजी भुन चुकी है और इसके अंदर सब कुछ बनेगा। देसी घी बहुत आसान तरीका है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। और पंजीरी की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, फिर भी मैंने आपको डिटेल वाइज थोड़ा बहुत बता दिया। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें, और देखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।